तमाम मेरे गाड़ी फ्रेंड्स को वाजी सोम सिंह गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, इस वक्त जो मिड ऑफ अक्टूबर है वो शुरू है और बेस्ट सीजन है हर तरह के विंटर फ्लावरिंग सीड्स और विंटर वेजिटेबल सीड्स लगाने का बेहतरीन मौसम है और साथ साथ ही है विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स लगाने का भी बेहतरीन मौसम है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो विंटर वेजिटेबल सीड्स हों, फ्लावरिंग सीड्स हों या आपके पास विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स हों। आज की मेरी वीडियो इस वक्त सामने कैटलॉग में भी आप देख रहे होंगे, खूबसूरत से येलो कलर के आपको यहाँ ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ये कैलेंडुला के फ्लावर्स हैं जिसे हम अपने उर्दू लैंग्वेज में गुल अशरफी कहते हैं। यहाँ मैंने ये बकायदा डेट जो है ऊपर कैटलॉग में टैग है, वैसा ही टैग मैंने इस डिस्पोजेबल ट्रे में तैयार करके रखा हुआ है। तमाम ही मैटर मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है और जस्ट हम सीड्स लगाएंगे और सीड्स के पैकेट भी बकायदा मेरे पास है, कैलेंडुला के हैं। जैसे ऊपर दो कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ऑरेंज है, येलो है, इसी तरह मेरे पास है दोनों ही वराइटीज के सीड्स हैं, बकायदा है, सेपरेट है, मैंने लेबल्स में लगाए हुए हैं। यहाँ आपको लिखा नजर आ रहा है कैलेंडुला रेड स्पॉट, बेसिकली ये जो स्पॉट है ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये रेड कलर का होता है। और दूसरे हैं कैलेंडुला पे है सिंपल येलो फ्लावर्स भी होते हैं बिल्कुल बगैर इसके, गोल गोल आपने बीच में रेडिश कलर का या ब्लैकिश कलर का जैसे आप देख रही हैं वो ना हो, तो सिंपल येलो कलर के भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं। और दूसरा है कैलेंडुला है, ये आपके ऑरेंज कलर के बीच में से स्पॉट भी होता है। अभी बकायदा मैंने इसमें कैलेंडुला लिखा हुआ है और ये 2021 लिखा हुआ है दोनों पैकेट्स में, यानी इसी साल 2021 में अब सीड लगाने का बेहतरीन ये मंथ है अक्टूबर का जो मिड है, अब हम सीड्स को लगाएंगे। और हर साल मैं, मेरे गार्डनर्स है, ये मैं सीड्स घर ही में लगाता हूँ, चाहे वो विंटर फ्लावरिंग के सीड्स हों या वेजिटेबल्स हों। जैसे आप वो देख रही हैं सारे के सारे है ये वेजिटेबल्स के सीड्स है बकायदा रखे हुए हैं तैयार करके, सुबह अर्ली द मॉर्निंग है, दो घंटे के लिए सनलाइट आना जरूरी है। आप इन्हें भी मैं यहाँ इसी डिस्पोजेबल ट्रे में लगाऊंगा जिस तरह मैंने वो वेजिटेबल्स के मैंने वो सीड्स लगाए हुए हैं। अब जहां तक सीड्स का मैटर है, सीड्स भी आपको हेल्थी फ्रेश होने चाहिए और नॉर्मली है जो घर के सीड्स हैं विदिन 7 to 10 days में ऑब्वियसली 100% जर्मिनेट होते हैं। अब सीड्स किस तरह के होंगे आपको सीड्स भी दिखाते हैं। जैसा कि मेरे गाड़ी फ्रेंड्स देख रहे हैं कुछ कैलेंडुला के जो इस तरह के ये ब्राउन कलर के ये सीड्स होंगे इस तरह के, जैसे आप ये देख रहे हैं, ताकि जिन्होंने पहली दफा आइडिया है सीड्स उन्हें लगाने का पता नहीं किस तरह के सीड्स होते हैं, तो कुछ इस तरह के ये है कैलेंडुला के हैं ये सीड्स हैं होते हैं। आप लगाते हैं बिना टाइम ज़ाय किए हुए। जहाँ तक सॉइल का मैटर है, तमाम ही मैटर मैंने कम्प्लीट कर लिया हुआ है, मैंने मट्टी में रेत ली हुई है। यहाँ मेरे पास है इधर कोकोपीट है, कोकोपीट को मैंने या मट्टी में मिक्स कर लिया हुआ है टॉप लेयरिंग के लिए है। और इधर है मेरे पास है ये पत्तों की है, घर ही में तैयार की हुई है ये पत्तों की खाद है जैसा आप देख रहे हैं। इसमें मैंने 50% है मट्टी ली हुई है, 20% है रेत है, 20% है मैंने इसमें ये पत्तों की खाद है घर की तैयार की हुई, और 10% है कोकोपीट है ये मट्टी में मिक्स की हुई है टॉप लेयरिंग के लिए। और ये 100 का कॉम्बिनेशन है मैंने पहले ही से तैयार करके रखा हुआ है। अब जस्ट मैंने सीड्स लगानी है, पहले तो अच्छी तरह इसको बैलेंस फॉर्म में कर लें, थोड़ा सा मट्टी का ड्राई है पहले, मट्टी को मैं पानी थूंगा शावर की मदद से ताकि मट्टी है पहले अच्छी तरह पानी अब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद इस पर है आधा इंच के फासले पर है जो मैंने सीड्स आपको दिखाए हैं वो सीड्स हम रखेंगे कैलेंडुला के। जैसे मैंने गाड़ी फ्रेंड्स देख रहे हैं अच्छी तरह पहले पानी दे दें ताकि मट्टी पानी ज़रा अब्जॉर्ब कर ले। जी मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, पहले तो सीड मैं लगाऊंगा कैलेंडुला के, आधे मैं इस तरफ लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास दो वराइटीज़ के हैं, यहाँ आधा इंच के फासले पे ये मोटे मोटे सीड जैसे आप देख रहे हैं ये लगा दिए हैं, ये स्पॉट वाले हैं जिसमें बीच में रेड स्पॉट है जैसे ऊपर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। और मेरे गाड़ी फ्रेंड्स ये दूसरे सीड हैं बगैर ये स्पॉट के हैं, येलो कलर के खाली हैं विदाउट एनी स्पॉट, ये यहाँ लगेंगे आधा इंच के फासले पर जैसे आप देख रहे हैं, तो थोड़े से मोटे मोटे ये सीड्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के ये सीड्स हैं। ये देखें इस तरह के ये कुछ सीड्स हैं,
सकती है। अब मेरे गन फ्रेंड्स साइन में यहाँ मैं रखूँगा चीज लगाने के बाद कि जहाँ दो घंटे की है सनलाइट आए, जिस तरह के वो मेरे दूसरे वेजिटेबल के सीड्स पड़े हुए हैं। अब इन्हें टॉप लेयरिंग करते हैं, अच्छी तरह कवरअप कर लें सीड्स को है कोकोपीट के साथ, जो मिट्टी मैंने मिक्स की हुई है। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स आउट करके ऊपर से लगा लिए सीड्स हैं, जैसे आपने देख लिया है, कवरअप कर लें ताकि और आप देते हैं शावर की मदद से पानी, अच्छी तरह पहले पानी दे दें इन्हें। और अब लगाते हैं इस पर मेरे गर्लफ्रेंड्स है टैग लगाते हैं। ये मेरे गर्लफ्रेंड्स अच्छी तरह पानी दे दिया हुआ है, वेल ड्रेनेज आपका स्पॉट होना चाहिए। और इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा जब इन्हीं की अपडेट्स लेकर आऊंगा जो मैं सीड्स लगा रहा हूं। बाय फ्रॉम वाजिश होम सिंगार।